जानी बोला कौन बोला ये बोला ए? इसने मेरा पल्लू खींचा। पल्लू खींचा किसने खींचा? इसने खींचा। इसने मेरी बाह पकड़ ली, इसने मेरा पल्लू खींचा, इसने मुझे जानी बोला। अरे वाह क्या बात है, सॉलिड है क्या? क्या मैं तुझे ठीक करता हूँ, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा घर से निकली तो। हाँ अरे अरे लाल साड़ी पहन के गैरों के सामने ठुमक चुप रही है। नीचे उतारो, अरे संभागे नीचे उतार दो मुझे। क्या भजन है, अब देखता हूँ तू बाहर कैसे जाती है। क्या समझते हो? चुप, जबान खींच लूंगा। बड़े आई है ये, भूख के मारे जान निकली जा रही है, इसको कोई फिक्र ही नहीं। वो बेचारा जॉनी अगर मुझे नहीं बोलता तो मुझे क्या पता चलता गैरों के सामने नाचती फिरती है। तू भी तो गैर है, तू कौन सा अपना है? मैं गैर हूँ? मैंने तेरी जान बचाई, तेरी इज्जत बचाई, तुझे इस घर में ला के रखा, मैं गैर हूँ तेरे लिए? बकवास करती है, चल रोजेगा, बहुत लंबी जवान हो गई तेरी। बक 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 बक, जब देखो बक बक। इज्जत बचाने से थोड़ी अपना हो जाता है, अपना होता है आदमी शादी करने से। है मैं तेरे से शादी कर लूं? अरे मैं सारे दिन समुद्र में मारा मारा फिरता हूँ देवा मांस के पीछे, किस दिन मुझे खा गई तो क्या लोग तुझे बेवा कहें? मालूम है ये सब तेरा बहाना है, तू मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, गांव के आते जाते लोग मुझे ताना मारे और मुझे तेरे रखील बोले। उठ उठ और दफा हो जाए यहां से, चल। भेजा सूख गया तेरी बातें सुनते सुनते, हद होती किसी चीज की, कोई बात है? बक 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 बक, खाना खाने को नहीं मिलता, हर वक्त कहती रहती है। चल अब निकल जा, बाहर जाके मर, अब तुझे कोई रखेल नहीं बोलेगा मेरी, चल। चल माँ मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। चल ए, ए जॉनी तू कहाँ जा रहा है? माँ के साथ। तू मेरे को छोड़ के जा रहा है? हाँ मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, तुम रह सकते हो क्या? रोज रात माँ की कब्र पे जाके सो जाते हो, मुझे ही उठा कर लाना पड़ता है। जॉनी जॉनी मैं तेरा क्या लगता हूँ? बोल बाबा। लेकिन ये तेरी कौन लगती है पता है? नहीं पता ना, चलो अंदर चलो, चुपचाप बैठ जाओ और बैठ के खाना खाओ, पेट में कुछ जाएगा तो भेजा काम करेगा। ये रोज रोज का बंकस नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रात भर का टाइम देता हूँ, रात भर सोचो और सुबह मुझे बताओ कि ये तुम्हारी कौन लगती है। मैं बोट में सोने जा रहा हूँ। फादर को तो टाल दिया, अब इसको क्या जवाब दोगे? पहले खाना खा लो, बाद में सोचेंगे। मोना, मेरी माँ चली गई, हमारा मुन्ना भी चला गया, अब बड़ी मुश्किल से घर बसा है। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं कभी नहीं। ये कश्ती यहां क्यों रोक दी? अच्छा तो यहाँ पानी गहरा कितना है? जेसु
अगर बैठना है तो चुपचाप बैठ, मेरा दिमाग मत चाट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि इतने बड़े समंदर में शार्क होगी तो यहीं कहीं होगी? बहुत रोगा जी, इतना भी नहीं जानते? पानी के अंदर खून की एक बूंद शार्क मीलों दूर से सूंघ लेती है। जेसू, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि पीटर तुम्हारा कौन लगता था? क्या लगता था मेरा? ये वर्दी पहनकर ऐसी बातें मत करो खान। तुम्हारा कोई भाई है? तुम्हारी कोई माँ है, कोई बहन है? पीटर मेरे लिए सब कुछ था, पर हम जैसे लोग जिसके न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, दुनिया वाले जिसे हरामी कहते हैं, पीटर की माँ ने मुझे अपना बेटा कहा था, मुझे अपने सीने से लगाया था। इतना भरोसा था पीटर की माँ को मुझ पर कि मैं अपने जीते जी पीटर पर खरोंच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन आज आज देखते देखते पीटर का खून बह गया, शार्क उसे खा गई, मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। बस वो आदमी भाग गया, उसके जेब से ये कार्ड निकला। बस वो हमारे कब्जे से भाग गया है।